का एक बहुत बड़ा और प्रमुख त्यौहार है। पूरे भारत में गणेश चतुर्थी की आज धूम है। पुराणों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन ही गणेश जी का जन्म हुआ था। पूरे भारत में विभिन्न जगहों पे कहीं बड़े कहीं छोटे कहीं घर में इस चीज़ को मनाया जा रहा है। मूर्तियाँ छोटी से बड़ी मूर्तियाँ रखी जा रही हैं। इसी तरह एक अंशुल होम में भी एक पूजा का आयोजन किया गया है और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राहुल सिंह जी हैं। राहुल सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बताएं सर, ये कितने सालों से आप लोग चला रहा था? ये मेरा चौथा साल हो रहा है। 3 साल हमने मनाया गणेश जी को और चूँकि ये चौथा साल है और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मेरे जितने भी स्टाफ लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और ये साल को हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये जो बिजनेस, ये कोई भी कार्य बिजनेस स्टार्ट होता है जिसमें श्री गणेश जी का ही नाम लेकर स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है ये पूरे पिछले 4 साल से ये खुशी खुशी मतलब मनाते हैं, जहाँ पर हम लोग को लगता है कि एक शक्ति अलग सी मिलती है, एक अलग सी एनर्जी मिलती है मुझे जो मैं जब इसको मैं मनाता हूँ। और सबसे खासियत इसमें यह है कि पूरे लोग तन मन धन से इसको मनाते हैं, तो ये एक अलग तरह, ये पटना में इस तरह से नहीं मनाया जाता, ये मुंबई का ही एक फेस्टिवल कहा जाता है। बट क्योंकि मैं पुणे से पढ़ा हूँ, मैंने वहाँ देखा है कि वो लोग बहुत बहुत मन से, बहुत तन मन से वहाँ मनाते हैं, तो क्योंकि मैं भी यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप पिछले बहुत सारे सालों से चल रहा है, इस बार क्या खास इसमें इस बार कर रहे हैं आप? खास ये है कि हर शाम को आरती 6 बजे से विशेष आरती होगी जिसमें अलग अलग लोग मेहमान आएंगे, प्लस अलग भोग रहेगा। उसके अलावा हम लोग विसर्जन में पूरे बॉम्बे से टीम आ रही है ढोल ताशा की, जिसमें विसर्जन में पूरे यहाँ से 4 घंटे की पूरा कंप्लीट हम लोग एक बोरिंग रोड पाटलिपुत्र से लेकर राजा पुल तक हम लोग जाते हैं और वहाँ विसर्जन करते हैं। तो एक अलग तरीके का माहौल होता है, एक मतलब एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री भी होने वाला है कि अभी तक इतना बड़े लेवल पर कोई विसर्जन नहीं हुआ, तो इस साल मैंने खास कर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपने जैसा कहा कि पूना से आपको ये चीज़, चूँकि वहाँ आपने देखा, तो वहाँ पढ़ाई के दौरान में थे और वहाँ पे आपने चीज़ों को ये देखा, तो तब से इस बृहत पैमाने को पूना में किस दौरान थे आप? मैं पढ़ाई कर रहा था वहाँ पर और पढ़ाई करके मैं वहाँ जॉब भी किया। इसी दौरान मतलब जब मैं हर साल गणेश जी का मैं वहाँ पर वेट करता था कि जब वो वहाँ पर जो फेस्टिवल होता भी था बहुत बहुत अच्छे से होता था, और वही एक अंदर से वो था कि मुझे कि मैं भी जब अगर अपना बिजनेस करता हूँ, अगर मैं भी करूँगा तो ज़रूर गणेश जी को बैठाऊँगा, और वो प्रेरणा मुझे आज तक मिलती रही। और मैं यहाँ पिछले 4 साल से, अगर समझिए कि मैं इस लेवल पर अगर गणेश उत्सव बनाता हूँ तो समझिए कि इसके पीछे पूरी टीम लगती है और एक एनर्जी मिलता है। तो भगवान बप्पा हमेशा हर साल मेरे पास आते हैं और दिन ब दिन लोग जानकारी ज़्यादा लेते जा रहे हैं और एक एनर्जी मिलती है जिसे मैं आगे की कोशिश करता हूँ। जब तक मैं बिजनेस करूँगा तब तक आप जरूर, आप गणेश जी को जरूर यहाँ देखें। भगवान करे, भगवान गणेश आपको दिन दोगुना रात चौगुना आपको विकास दें, आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, उन सभी दर्शकों को भगवान गणेश की तरफ से, भगवान गणेश उनको खुश रखें, स्वस्थ रखें।